Hey guys, मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज। और आज हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं तेरे विद इन रियल लाइफ पर। ये एक फनी वीडियो होगा, कॉमेडी स्केच है। एंड हमने अभी तक तेरे बिन के 10 एपिसोड्स देख लिए हैं। हमने रिएक्शन भी बनाया उसके ऊपर। अपने बेटे मुर्तसिम के लिए मुंतखब कर लिए। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो हमारे सेकंड चैनल को चेकआउट करो। अभी तक 9 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं, हमने 10 देख लिया। तो अगर रिएक्शंस देखने में इंटरेस्टेड हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तेरे बिन बहुत ही एक्साइटिंग ड्रामा है, प्लस बहुत सारे मीम वर्दी मोमेंट्स भी होता है। हाँ, होता है। तो लेट्स सी ये वीडियो कैसा। वैसे ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में होगा। ये वीडियो है स्टार वाइंस की तरफ से, लेट्स सी। क्या होती है सही कमाई, मैं करके दिखा दूंगा। सही कमाई। ये फर्स्ट सीन ड्रामा ऐसे ही तो स्टार्ट हुआ था। अरे बाप रे, वहाज थोड़ा अलग दिख रहा है। सलाम खान जी। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे नहीं आए आज? कौन से बच्चे मालिक? वही जो इधर पतंग उड़ाते हैं। वो असल में खान साहब बच्चे को पतंग खो लेंदे आ, आगे महंगी करके बेच दे आ। ओ अच्छा, वो इसीलिए दूसरी फसल में उड़ा रहे हैं। वो मालिक के बंदे फिर आए थे, फिर धमकी देकर गए हैं कि अगर आप फसल में दोबारा आए तो आपकी टंगे काट देंगे। मुझे पहले क्यों नहीं बताया, उनकी मैं माँ बहन एक कर दूंगा। ओह, ये एपिक मोमेंट भी इन लोग ने कॉपी किया, लेकिन लोकेशन सही चूज किया है इन्होंने। वो तो है, ऑलमोस्ट सेम है ना। मालिक, मालिक साहब गलती होगी, आज के बाद आपकी फसल में नहीं आऊंगा। मैं तो बच्चों को देखने आता हूँ काम के सिलसिले में। ऐसा लगा था। ये तो फौरन ही बदल गया। मुर्तसिम को गुस्सा इस तरह आता है जिस तरह सर्दियों में पेशाब नहीं आता। देखो वो देख लिया, अपने बेटे को बुलाइए। मलक जुबैर को बुला के लाओ। हाँ भाई, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। इब्राहिम, क्या यही है वो जिसने मेरी टांगे काटने की धमकी दी थी? जी खान जी। पानी ना डालना मुझ पे। पानी वाली नहीं है, चेहरे वाली है। पता था मुझे। इसे कैसे पता है? क्या कह रहा था? कुछ नहीं कुछ नहीं। कह रहे थे माँ बहन एक हाथ देंगे। नहीं नहीं, रियल लाइफ में तो ऐसी हो। मेरा मतलब अलग अलग रहती है ना, तो एक जगह इकट्ठी कर दूंगा। जलील ही कराया। इस बार सिर्फ बात करने आया था, अगली बार गलती नहीं होगी। मीरब। ओ, ये भी फर्स्ट एपिसोड का ही है। मीरब, मीरब के पापा है ना। मीरब बेटा, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग है। बिल्कुल वैसे उठाने के आदी हैं जैसे मैंने स्कूल जाना हो। बेटा, मेरे लिए तो तुम वही नालायक बच्ची रहोगी ना जो हमेशा फेल होती थी और टीचर से मार खाती थी। अच्छा, अब तो मैं सही नंबर लेकर आती हूँ, लेकिन कोई शाबाशी नहीं उन नंबरों पर। अरे ऐसे कब हुआ? मतलब याद ही नहीं। कोई बात नहीं, कल मेरा रिजल्ट है, खुद ही पता चल जाएगा। बहुत अच्छे से कॉपी किया होता है। अब ये कौन है साहब? ये आपके लिए आया था जब आप बेंटे खेलने गए थे। अच्छा, अनवर चाचा। मुझे बस सही वाइट की फेल। बेटा, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट हवेली भेज दी है, वो तुम्हें बताएंगे। क्यों बाबा, आप बचपन से लेकर आज तक उन्हें मेरी शिकायतें लगाते आए हैं। क्योंकि वो हमारे बड़े हैं। नहीं बाबा,
मैं किसी से मार नहीं खाऊंगी, आप मुझे मार लेना। एक बाप कुछ भी कर सकता है लेकिन अपनी बेटी को मार नहीं सकता। यार तक वही मारेंगे तुम्हें। इतना क्यूट मोमेंट को रुइन कर दे। ये वाला ये माँ बेगम है शायद। हाँ हाँ जियो खानम जी, खानम जी जियो, जियो खानम जी, खानम जी जियो। चलो इसके ऊपर ही बैठेगी ही बैठेगा। क्या मसला बताओ जियो खानम जी। खानम जी इसकी बच्ची और मेरी बच्ची एक ही स्कूल में पढ़ती हैं, दोनों इकट्ठी बैठती हैं। इसकी बच्ची की वजह से मेरी बच्ची के सर में भी जुएं पड़ गई हैं। नहीं नहीं खानम जी ये झूठ बोल रही है। नहीं खानम जी ये झूठ बोल रही है। बस बचपन में मेरी अम्मी, मेरी दादी और उनकी अम्मी, हम सब छत पर बैठकर शिकार खेलते थे, मतलब एक दूसरे की जुए निकालते थे। जियो खानम जी हल बताएं। हल सिर्फ एक ही है। ये लें खानम जी, खानम जी जियो खानम जी। जुआ मार तेल सिर्फ 30 रुपए का। बहुत शुक्रिया खानम जी। जियो खानम जी, जियो खानम, खानम जी, जी जियो। पैसे तो देकर नहीं गई, मांग नहीं थे सकते। मुझे लगा आप कहेंगी ऐसे कैसे, इनको क्या कमी है पैसों की। आ गया अनवर चाचा। ये क्या है? तमाचा है मेरी गैरत पर। कैसे फेल हो गया। जी जी मैं जल्दी ओपन कर रहा हूँ, मुर्तसिम क्लोदिंग के नाम से नया ब्रांड। पीछे हटो। एक्सक्यूज मी। ओ नीरव, ये क्या तरीका है? ये मेरा तरीका है क्योंकि ये मेरा घर है। जानता हूँ मगर तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं ना चाहूँ। तुम होते कौन है जाने वाले? घर में तुम्हारी कोई सुनता नहीं है, तुम्हारी अम्मी तुम्हें हर वक्त जलील करती है, अपने अब्बा की बनाई हुई जायदाद पे ऐयाशी कर रहे हो। पीछे हटो। बिजनेस ही करूंगा मैं, बिल्कुल सेम लग रहा हूँ। नौकरी नहीं करूंगा अगर दोगे ये म्यूजिक में क्या ठीक है, वरना टेढ़ी लगा लूंगा। क्या होती है सही कमाई मैं करके दिखा दूंगा। भाभी आप अभी के अभी उनको फोन कीजिए और उनसे कहें कि वो मीरब को यहाँ छोड़ के जाए। अनवर सबर से काम लो। सबर से काम लेने का वक्त नहीं है भाभी, देखा नहीं आपने वो फिर से एग्जाम में फेल हो गए। फेल होना कामयाब लोगों की पुरानी निशानी है। लोग बातें करेंगे तो करने दो, वकास की भी बेटी है। वो वकास की बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। मेरा मतलब के खानदान की बेटी है, आपकी बेटी है, मुर्तजिम की। तुम तो ऐसे रोला डाल रहे हो जैसे तुमने खुद CSS के पेपर दिए हैं। एक दूनी दूनी दो दूनी चार, इससे ज्यादा तुमने कभी याद नहीं किया। बेइज्जत कर दिया। एक हल है मेरे पास। तुमसे किसी ने पूछा? बोलो। अब नहीं। चलो रहने दो। मैं तो वैसे ही कह रहा था। रियलिटी करवा दे मीरव की। आहा क्या आवाज भी कॉपी की। बस आई गल्ला आंदियां तेनू, काम कूम का पता नहीं, चल नौकरी ढूंढ जाकर। रियलिटी में तो यही होता था यंगस्टर्स के साथ। तो कुछ नहीं ओ उठ जाओ ओए ओए कम पे जाओ ओए। तुम्हें बस यही काम है आते जाते लोगों में बजना। ये मेरा घर है तो मैं क्या करूं? यहाँ तो इज्जत करो मेरी। जितनी तुम्हारी मूछें हैं उतनी इज्जत होगी। ये मेरा घर है, यहाँ की हर एक चीज। कोई चीज तुम्हारी नहीं है, सब कुछ अंकल ने बनाया था, खुद तो वो मर गए, तुम्हें यहाँ पे छोड़ गए। बेला इंसान। ओ अच्छा मुर्तजिम का इसमें कोई रेस्पेक्ट नहीं है।
बोलता है। लेकिन रियल ड्रामा में तो है ना, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे होता है ना जो, हाँ वो है जो यंग लड़का रहता घर पे उसको कौन बर्थडे पार्टी खराब करने आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। हेलो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? राहिल ना? रोहेल, रोहेल रोहेल। इसे मैं बताऊँ या तुम बताओगी? रोहेल, ये मेरा बारा कजन। कजन है तो कुछ भी करेगा, एक बेस्ट्री है ऊपर से ये भी आ गया। और बिस्ती बर्दाश्त नहीं होगी। बिस्ती? इसको के निकलो यहाँ से वरना। चलो। अच्छा सॉरी सॉरी, गोली मत चलाना। बलून फूल गया। चलो। अब दूसरा बर्थडे डेकोरेशन। Happy birthday to you। बकास अहमद का एक्टिंग बहुत सही है। वो तो है। बेटा अनवर ने तुम्हें बुलाया विश करने के लिए। Happy birthday to you। मेरा केक कहाँ है? अभी तो तुम सालगिरह से आई हो। वहाँ पे केक खाया ही होगा। तो क्या इधर नहीं खाया? जन्मदिन बहुत-बहुत मुबारक हो। मैंने अपने वेले बेटे मुर्तसिम के लिए मीरब चंगड़ी, ओ मेरा मतलब मीरब बेटी मुंतखिब कर ली है। क्या होती है सही कमाई, मैं करके दिखा दूंगा। किसी धोखे में ना तू रहना, मैं नौकरी नहीं करूंगा। वैसे इन्होंने एक और पार्ट बनाया इसका एंड एक ओएसटी भी बनाया ऐसा मैंने सुना। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हो कि हम और भी रिएक्ट करें सेकंड पार्ट पर, और इन्होंने जो सिंग किया हुआ थर्ड मतलब ओएसटी भी जो है ऑलरेडी इसमें हमें थोड़ा सुनने मिला। हाँ, हंसने आ रहा है यार, मतलब क्या बना है। एक्चुअली एक्टिंग बहुत सही है। हाँ, स्पेशली वकास अहमद का जिसने किया है वो एक्टिंग बहुत सही। मुर्तजिम का जो वॉइस कर रहा था ना, वो एक एक मोमेंट्स में जब सीरियस आवाज एकदम बहुत ही सही लगा। उन दोनों का एक्टिंग बहुत ही स्टैंड आउट लगा इसमें एंड या वो बैकग्राउंड म्यूजिक हिलेरियस, और इसलिए मुझे ओएसटी सुनने का बहुत इच्छा हो रहा है। लेकिन पहले देखना चाहता हूँ आप लोग इंटरेस्टेड हो भी क्या नहीं। क्योंकि तो अगर ये वीडियो को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, आप लोगों को पसंद नहीं आता, तो हम लोग अपने खुद के टाइम में देख लेंगे या फिर हमारे सेकंड चैनल पे डाल देंगे जहाँ पर तेरे बिन ऑलरेडी देख रहे हैं हम लोग। तो ये वाला तेरे बिन भी देख ले। ये तेरे बिन ही है ना? हाँ, तेरे बिन ऑलमोस्ट सेम ही यार। हाँ, हमें तेरे बिन ड्रामा देखने का जरूरत नहीं है। और ये रियल लाइफ का तेरे बिन है। ये देख लिया तो भी समझ जाएंगे स्टोरी। हाँ, वो तो है। ग्रेट जॉब स्टार वाइन्स। वो तो है, बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम एडिट किया है, एक एक मोमेंट को काफी अच्छा कैप। और जो स्टार्ट हुआ जहाँ से, लोकेशन क्या सही चूज किया, वो लोकेशन एकदम ही सच का होना। तो जैसे तेरे बिन का फर्स्ट एपिसोड आप देखोगे तो ऐसे ही खेत है, मुर्तजिम पीछे हाथ रख के खड़ा है और जो काम करने वाले हैं वैसे ही, मतलब एकदम बहुत ही, मतलब बहुत सही है सच कहूँ तो। या तो मैं तो देखना चाहता हूँ। हाँ, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो, कमेंट्स में बताओ कि करना है कि नहीं सेकंड पार्ट पर रिएक्ट। होता है। एंड अगर सेकंड पार्ट पर रिएक्ट किया तो ओएसटी पर भी उसी वीडियो में कर देंगे। तो या ओएसटी आई थिंक 2-3 मिनट का ही है। तो लेट्स सी, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर टू सपोर्ट स्टार वाइन्स एंड अगर रिएक्शन पसंद आया तो हमें भी लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बेल आइकन दबाए बिना जाना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। बाय।